न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब खबर रीवा से है, जहां नगरी और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के माहौल के बीच खासकर नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनाव जो कि सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष शहीद मिस्त्री के द्वारा पार्टी छोड़ने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ने और आप पार्टी में शामिल होने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया जा चुका था, लेकिन विराट 24 के द्वारा खबर दिखाए जाने से कांग्रेसियों में हड़कंप मचा और जिले के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शहीद मिश्री के घर जा पहुंचे और मान मनावल शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमलनाथ से शहीद मिश्री की बात करवाई गई। हालांकि बताया जाता है कि शहीद मिश्री ने अपने और अपने समाज के लोगों के साथ उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। ये भी बताया जाता है कि कमलनाथ ने चुनाव के बाद शहीद मिश्री को किसी पद और उनके समर्थकों को वार्ड पार्षद की टिकट देने की बात कही है। आपको बता दें कि शहीद मिश्री पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के परिवार के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, शहीद मिस्त्री महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में जब कांग्रेस की स्थिति दयनीय है और पिछले 20 सालों से कांग्रेसी सत्ता सुख से बाहर हैं, तो ऐसे में पूर्व शहर अध्यक्ष का पार्टी छोड़ना कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। हालांकि शहीद मिस्त्री के घर पहुंचे महापौर प्रत्याशी आजम मिश्रा बाबा राजेश शर्मा के साथ अन्य लोगों ने समझा बुझाकर उनके द्वारा पार्टी के साथ की जा रही बगावत को रोक दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शहीद मिस्त्री को कितना संतुष्ट किया जा सकता है, कांग्रेस जो अपनी गुटबाजी के लिए जानी जाती है उस खाई को कितना पाटा जा सकता है जिससे महापौर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता अजय मिश्रा का सुगम हो सके। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व शहर अध्यक्ष शहीद मिस्त्री ने क्या कहा। छोड़ रहे थे पार्टी, लेकिन क्या ऊपर से फिर फोन आ गया कमलनाथ जी का। हाँ, अपने मतलब समाज की इच्छा जाहिर की और पूर्व जो है जितने भी पूर्व कांग्रेसी हैं जी, उनको कोई इज्जत सम्मान ना, कोई मीटिंग सीटिंग में कोई इज्जत ना सम्मान। नहीं नहीं, ये न्यूज जो है बिल्कुल हाँ, सही थी जी। हमको जाने था, क्या है कि इन लोगों को पता चल गया, हम मतलब चुप्पे से जा रहे थे बिल्कुल हाँ, कि मतलब जब मीडिया में आ गया तब इन लोगों के होश उड़ेंगे हाँ। थोड़ा सा पार्टी से और खास तौर से पीसीसी वालों से नाराज थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो मालूम था पहले से, आपसे साथ हमारा आज थोड़ी संबंध है, हमको पहले से जी निर्णय यही हुआ कमलनाथ जी से बात हो गई कहीं भाई, देखा ये चुनाव हो जाने दो, फिर आप लोगों को हम कहीं ना कहीं वो करवाते हैं हाँ। हम कहे हमको भर नहीं हाँ। पूरे आप मध्य प्रदेश में इसकी जो है आप बारीकी से जांच करिए बिल्कुल, और जितने भी पूर्व हो गए आप, हमको हमने उदाहरण दिया कि आप बीजेपी में देख लीजिए, जो पूर्व हो जाते हैं उनको जगह मिलती है, नहीं कि वो नीचे बैठते हैं, पूर्व जो है सीनियर आदमी वो जमीन में बैठे नीचे हाँ, सही बात है, जिसने खड़ा किया सीनियर हाँ, वो नीचे हो जाता है, बाहर हो जाता है, नए नए आकर खड़े हो जाते हैं जी जी। भाई आप समिति में रखो, निर्वाचन सुना चुनाव समिति कितने दुनिया भर के संगठन है, कहीं भी रखो, सम्मान तो दो जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये न्यूज थी बिल्कुल 100% सही थी, लेकिन क्या है फिर ऊपर से जब दबाव आया तो फिर थोड़ा सा क्या नहीं जाहिर है, तो क्या है कि वहाँ से सब आ गए, शर्मा जी उर्मा जी सब मेरे घर में धावा बोल दिए हाँ, राजन शर्मा जी, दिवाकर दुबे जी, अजय मिश्रा बाबा, राकेश तिवारी, अरे मकसूद भाई अपने जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष है हाँ, सभी लोग बहुत लोग आ गए थे, फिर बात भी वहाँ करा दिए लगा के कमलनाथ जी से जी। और उनका जोशी जी का भी फोन आया, कहेंगे यार शहीद भाई हमारे टाइम में आप अध्यक्ष थे, हम कहे भाई अध्यक्ष थे लेकिन इज्जत सम्मान कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे इस पार्टी में रह। सही बात है, सही बात है। महेश जोशी नहीं थे हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है शहीद भैया, और तो बाकी अपना पुराना है तो रहना ही चाहिए, पर ये कि जब सम्मान दो फिर उसके लिए तो दिखाना ही पड़ेगा थोड़ा सा। हम बताइए अपना आदमी काम नुकसान करके और मीटिंग अटेंड कर रहा है, अब आदमी को जोड़ रहा है, अब बताइए अगर आदमी को दो ठो पार्षद की टिकट की जरूरत है तो मतलब आकाओं से मिली उसके बाद भी न मिले तो क्या मतलब। हाँ, फिर हम जाएं और कहेंगे फिर बात भी कर जाए तो फिर हमारा तो कुछ रह नहीं गया ना जी जी, तो जी, जी। हम अपने लिए तो मांगे नहीं कुछ जी। चले ठीक है भैया।